ऐसी बात है देवर, तो मैं तुम्हारी शादी पूर्णिमा के साथ कराऊंगा। सच? हाँ, अभी चलती हूँ, तुम्हारे भैया से बातें करती हूँ। अरे तो मजा आ जाएगा भाभी, मजा आ जाएगा। और सच कही और साची कही तुरे आवनी से अंगिल में आई पहाड़ धवनी, अंगिल में आई पहाड़ धवनी। लक्ष्मी किशोर गोपी भैया बड़ा होगा। बचपन से हम काका कह कह के कोई हमारा भी आओ कराओ। तेरे को क्या हुआ? अब रणापा नहीं कटा था। इतना बड़ा होगा तेरी शादी नहीं हुई? अब हम विधवा है। विधवा नहीं, अभी कुंवारा है तू। हाँ। अच्छा ये बता, है? करतार तो अपने लिए लड़के चुन लिया है। हाँ? तू भी कोई लड़की पटा के रखा कि नहीं? काल बात केहन बा मां पोंगे भली। बात किया पोंगा भली? हाँ, उनका पेड़े में बांध दिया। हम कहा दहली से तोरी तय गुड़ लाओ तो बात करब। अच्छा ये बता, आए? उस लड़के का क्या नाम है? वह है खबरहवा कुकुरिया। अरे हाँ भाभी, अरे ये शराब कुतिया काबिल है भी। बदतमीज, तेरी शादी मैं किसी अच्छी लड़की से कराऊंगी। अरे वाह। चल तेरे भैया से बातें करती हूँ। चलो चलो चलो। थट, 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 क्या बात है निहुरावन? हम दोनों भैया राम राम। भैया ठीक ठाक है? पैदल आया है का? ये बता, यहाँ आएंगे तो जहाज से आएंगे? भाऊजी आ गए, भाऊजी आ गए। स्वामी नमस्ते करते हैं। नमस्ते। आज तुम्हारे चेहरे पर बहुत खुशी दिखाई दे रही है स्वामी। बात ऐसी है,
कि जो अपना करतार है। अपना करतार? हाँ। क्या हो अपने करतार को? उसको किसी लड़की से प्यार हो गया है और शादी करना चाहता है। करतार को किसी लड़की से प्यार हो गया है और शादी करना चाहता है। हाँ। लेकिन मैं जानना चाहूंगा कि वो लड़की कौन है, क्या नाम है और कहाँ की रहने वाली है। वो जो बहादुरगढ़ है, बहादुरगढ़ के रहने वाले जिनका नाम भजन लाल है, उन्हीं की बेटी है जिसका नाम पूर्णिमा है। ठाकुरान साहबा, सांस तुमने भूल चुकी हो कि बहादुरगढ़ वालों से हमारी पुश्त से दुश्मनी चली आ रही है, ये रिश्ता कैसे हो सकता है? हाँ स्वामी, ये जानती हूँ कि दुश्मनी चल रही है, लेकिन स्वामी सोच समझ लो, युग जमाना बहुत खराब चल रहा है। अगर करतार को पूर्णिमा ना मिली तो करतार अपनी जान दे देगा। क्या कहा? हाँ। अगर मेरे भाई करतार को पूर्णिमा ना मिली तो अपनी जान दे देगा। ठाकुरान साहबा, तब तो मैं अपने भाई के लिए अपने जान की बाजी लगा दूंगा। मेरे जाने की तैयारी की जाए, मैं इसी वक्त बहादुर जाने के लिए तैयार हूँ। चलो तुम्हारे जाने की तैयारी बना देती हूँ। हाँ, इसको भी साथ लेके जाओ। बहुत अच्छी बात है। जाओ, चलो चलो चलो। हेलो भैया, आइंजर के हमारे सिलेंदर भाई जहाँ कहीं पर हो, आपके इधर चाहने वाले आपके दोस्त याद कर रहे हैं, आके मुलाकात कर लीजिए। ये 10 रुपये हमें स्पेशल इनाम आयता है भैया, दिखाए रहा हो वो तो लिए तो साहब आए आयता है इनका आ जाती हूँ। अर लाल लाल से बरसे ललैया हो की रसी चुएला, हो रसी चुएला जैसे आमा के मोजीरा से रसी चुएला। बेटा भंडारी, हाँ दादा, तू तो जानता है, बहुत अफसोस की बात है। कहे दादा? मेरी बेटी पूर्णिमा सहनी होती जा रही है। हाँ दादा। मेरे लिए शादी के लिए एक पैसे नहीं है, मेरा दिमाग नहीं काम करता है, क्या करूं क्या ना करूं बेटा। दादा, जुग जमाना खराब है, बच्ची का ब्याह तो करें के परे, चाहे खेते वो तो गिरो दही के करो। यही तो सोचता हूँ बेटा। यही दादा? सोचता हूँ। हाँ भाई, अब जाहे लायक मदद करे लायक हम तो बताओ, हम मदद कर दिए, क्यों नहीं करेगा बेटा है? लेकिन बच्ची का ब्याह जरूर करो भाई। हेलो, कोई है क्या भैया? अरे हमारे साथ जमींदार साहब आए हैं, सुजान सिंह सुजानगढ़ से। भजन लाल जी हैं दादा? वह आवा है जवन पच्छू से आवा थी, लम्मा लम्मा है, गुअर गुअर करिया करिया नाटे कद कर, जाके जहाजिया है हो 10-12। हाँ हाँ, जो उज्जर उज्जर है। हाँ हाँ, ठाकुर सुजान सिंह सुजानगढ़ वाले आओ हो लम्बरदार। अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए ठाकुर साहब। जहाज कहिए ठाकुर साहब, कैसे आना हुआ? भजन लाल जी, मैं आपके पास एक खास काम से आया हूँ। वो कौन सा खास काम है? मैं दो दिलों को जोड़ने के लिए आया हूँ। दो दिलों को जोड़ने के लिए? जी हाँ। ठाकुर साहब, आपकी बात मेरे समझ में नहीं आई। भजन लाल जी, हाँ, आपकी बेटी जो पूर्णिमा है, मैं उसका हाथ मांगने के लिए आया हूँ। ना ना ना, हाथ चलो दियो, ये कौन सा हो रहा है नंबरदार? कहो। अरे तू हाथ ले, वो तू हमारा हाथ ले लियो। अरे ऐसी बात नहीं भाई। अरे कौन हाथ मांगा है, यहाँ बताओ। मैं शादी की बात करने आया हूँ। या
शादी के बात चाँप चाँप बताओ ना। साफ साफ समझता नहीं है, बीच में बोल देता है। ठाकुर साहब शादी कहाँ हो सकती है हमारी आपकी? क्यों कहाँ, मैं गरीब इंसान छोटा सा ठाकुर और कहाँ आप? भगलाई ऐसी बात नहीं है, प्यार में अमीर व गरीब नहीं दिखा जाता है। रही बात पूर्णिमा और मेरा भाई करतार एक दूसरे को बहुत चाहते हैं व प्यार करते हैं। बात यहाँ तक पहुंच चुकी है कि अगर मेरे करतार व पूर्णिमा को मेरा भाई ना मिला तो एक दूसरे अपनी जान तक देने के लिए तैयार हैं। ठाकुर साहब तब तो ये मजबूरी पर नहीं है, ये शादी करना पड़ेगा। लेकिन ठाकुर साहब मैं आपको कुछ दे नहीं पाऊंगा लड़की के सिवा। कोई बात नहीं है, हमें दहेज की कोई जरूरत भी नहीं है। ठीक है ठाकुर साहब, देखो नहीं तो कहो कि हमका लाओ चार चक्का दियो। अरे नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है दादा, हमारे नरियागा में कमाती तो एक रोटी का सहारा। अरे कोई बात नहीं है, मुझे सिर्फ लड़की चाहिए। एक चक्का तो दे सका था दादा, एक चक्का चाहे ले लिया तो, लेकिन चार चक्का न मांग। नहीं नहीं हमें किसी चीज की जरूरत नहीं है। देखो तुहरे बराती का सेव न कह पावा जाए। कोई बात नहीं है, मैं उसके लिए खुद संभालूंगा। देखो घबराओ नहीं भंडारी, हम लोग होटल बुक करवा लेंगे, परेशान मत होना। ठीक अरे तब तो भले हम सब भाई होबे खाए। हाँ ठीक है, पंडित जी को बुलवाओ और शादी की शुभ मुहूर्त बिछवाओ। बहुत अच्छा, बैठ जाओ दादा, लम्बरदार के बैठो, पानी पत्ता मंगाई लम्बरदार के। हाँ बतायो नहीं भाई, सामान नक्चा नहीं है, कल ले ब्याजे तो हाँ सिकरन पियाओ। मनीष राणा रामनगर के भैया, ये भाई 10 रुपया हमका देता है। अच्छा ओ पंडित कौन आ रे? अरे रोज रोज भीखिन मांगे चला आवा था, द्वार घेरे रहा था। संध्या के फेरी लगाओ, खाना ले जाओ, सुबेरे सरवण बन के आओ, किटकिट किटकिट कह के सारे चावल ले जाओ। अरे हम मांगता ना है ना, हम नऊ आए हैं। नाऊ अब नाऊ बाऊ दादा बुलावता है माँ। और बच्चा ठीक बा है? अरे आओ अब ठीक बताए थे, आओ तो भजमन राम नाम सुखदाई, भजमन राम सलाम कर तो पहले कर। ये बता जब ब्राह्मण है तो सलाम क्यों कर रहा है बता? नहीं ये मुसलमानिया पंडित नहीं दाढ़ी से पहचान लगा रहा है, ये शायद दाढ़ी के ऊंच चंदवा है। अच्छा अच्छा हाँ। देखो हमारे दादा बुलाएंगे। अच्छा बताओ बेटा बताओ भंडारी, आओ इधर आओ, कुछ लागवा कि ऐसे झूर रहे हो यार? पंडित लोग ये सब नहीं करते हैं। कलिया देखा है, कलिया देखा है, जहाँ लिखा रहा ठहरिए यही है मदशाला पंडित। अरे यार सब लोग नहीं पीते हैं। अच्छा ठीक है, देखो ये लम्बरदार आवा है, इधर देख लियो, इधर यह खड़ा हो, यह इनके इनके भाई आए का लम्बरदार भाई तो है। मेरा भाई है। अच्छा और दादा का लड़की आए, दोनों के शादी का शुभ मुहूर्त देखो बना थे कि ना ही बनते, मुँह से बिलार तो ना ही ना यार। देखो बना था ब्याह हुआ कि नहीं? लड़के का नाम हुआ? लड़का का नाम है कटहर सिंह। कटहर सिंह? हाँ करतार सिंह। करतार सिंह का लड़की के बूढ़ी माँ का पूर्णिमा? बूढ़ी माँ नहीं कहते, पूर्णिमा कापी 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 पी कापी कापी। शादी बहुत बढ़िया बन रही है। अरे नहीं शादी का शुभ मुहूर्त देखो,
वह सदिया बढ़िया बनती है 28 गुना। शादी बनती है 28 गुना। 28 गुना नहीं भैली, गुन गुन। अच्छा 28 गुना है पंडित। तो ये लगे शादी का शुभ मुहूर्त देख लीजिए। देखो कई तारीख का बनता है भैया, और नहीं यही यही पितर पखमा कह दियो खुले फाटक जाए अपन। अरे यार अगर गया जी नहीं जाना है कदे, ये बारात जाएगी शादी विवाह होगा। पंडित जी सुनो। अरे यार हम विचार रहे थे तुमको क्या पता है। अरे यार शादी अठारह का तलवाई, 19 का मायन, 20 का ब्याह, लेकिन विदाई तीसरे दिन होगी लड़की का। हाँ भद्रा लागा है तो ठीक है, ठीक है तीसरे दिन चलो जिसे गवन जाए। अरे तीन दिन के दहरे बर्दाश्त करी है। चलो अब क्या करना है। अरे और काम करोगे बा, देखो यार साहब दादा आओ, दादा चलाओ चलाओ तू हूँ लम्बरदार। 20 तारीख का एक दिन में कह दियो ठीक रहे। दिन है बरा। हाँ दिन है, तुरंत खवाई पिलाई कह के विदा बजा। पिलाई पिलाई है 20 तारीख का बरात आवे, 20 का विदाई। बहुत अच्छी बात। लेकिन एक बात है, लड़की के विदाई नहीं मिला तीसरे दिन। तीसरे दिन लड़की 23 तारीख को जाएगी। ठीक है कोई बात नहीं है, शादी हो जाने दीजिए, तीसरे दिन विदाई होगी। अच्छा ठाकुर साहब इंतजाम बना जाए। हाँ तो ठीक है, लेकिन बारात धूमधाम से आए लम्बरदार। कोई बात नहीं है, डीजे न लाए। क्यों कहे तमाम मेरा रू अनमन बा, ये बात है। अब डीजे भाग बाजे भाग कैसे गिरे वैसी हाथ से। कोई बात नहीं है, डीजे नहीं लाऊंगा। जाओ पनिया पी लिया मन का लम्बरदार, सुन लिया